थोड़ा सा रेस्ट कर ले। बैठो तुम। तुम जानती हो आयशा, ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और आपको पता है, आप अपने इस ख्वाब से बस थोड़ा सा दूर हैं। इस पूरे लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे ना, मैं अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर न सिर्फ एजेंसी के शूट्स कर रहा था बल्कि नए क्लाइंट्स भी ढूंढ रहा था। और तुम जानती हो ये सब मैं क्यों कर रहा था? सिर्फ हम दोनों के लिए। हारून, इस जिंदगी की दौड़ में आप जिस तरह भाग रहे हैं ना, कभी कभी मुझे डर लगता है। डर? कैसा डर? कि कहीं आप थक ना जाएं। तो तुम ऐसा करना कि मुझे कॉफी पिलाकर फ्रेश कर दे। ठीक है। अच्छा, अगर अब मेरी होम मिनिस्टर की इजाजत हो तो मैं बाकी का काम करूं। या श्योर, ऑल द बेस्ट एंड डोंट वरी, प्रमोशन तो आपकी होगी, यू ट्रूली डिजर्व इट। थैंक यू सो मच। अच्छा एक काम करो, आयजा को मेरे पास भेज दो। जी सर, आपने बुलाया मुझे? जी मिस आयजा, कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? और इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे? शॉर्ट नोटिस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप नौकरी लेते वक्त आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था देख सकते हैं। अच्छी तरह पढ़ लें और साइन करके मुझे वापस कर दीजिए। कहा बॉस ने? ये क्या? प्रमोशन लेटर? तुम्हारा प्रमोशन लेटर, इसमें लिखा है कि पैंडमिक में नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एजेंसी के साथ लिंक रखने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने के लिए तुम्हें प्रमोशन मिली है और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी गई है और तुम्हें एक कार भी दी गई है। ऊपर वाले, तेरी भी गेम निराली। जिसने कभी तलब नहीं की, जिसने उसकी खातिर मेहनत नहीं की, जिस पर घर बार चलाने की ना कोई जिम्मेदारी है ना कोई प्रेशर, उसे तूने प्रमोशन दे दी। और इधर मैं जो प्रेशर कुकर में पकता रहा,
मेरे हिस्से में आई भी तो रुसवाई। हारून, हारून, ओ गॉड, आज लेट हो गई मैं। हारून कहाँ गए? हारून कहाँ है आप? मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। मेरे बगैर? आपकी प्रमोशन हो गई है। अब आपका डेजिग्नेशन इजाजत नहीं देता कि आप मेरे साथ इस पुरानी बाइक पर जाएं। तो आप ऐसा गाड़ी में चलते? वो गाड़ी आपको ऑफिस वालों ने दी है मोहतरमा, मुझे नहीं। ये बात मुझसे बेहतर आप अच्छी तरह समझ सकती। With great power comes great responsibility. ये तुम्हारी क्रिएटिव टीम की लिस्ट है, तुम इसकी हेड हो। सर, हारून मेरे अंडर जूनियर काम करेंगे। सो व्हाट? प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। कभी तुम भी जूनियर हुआ कर देंगे। देखो, मैं तुम दोनों का बॉस हूँ। तुमने हारून को हर मामले में बहुत सपोर्ट किया है, मुझे यकीन है वो तुम्हें अब सपोर्ट करेगा। जी सर। और वैसे भी तुम सीनियर हो या हारून सीनियर, क्या फर्क पड़ता है? बोनस तो घर में ही जाना है ना। बिल्कुल सर, बाकी का जो असाइनमेंट है आप मुझे वो दे दें। क्या फ़ायदा यार यहाँ पे इतना टाइम लगाने का? क्या हुआ, क्या मिला हमें? इतना टाइम हमने दिया है लेकिन कुछ नहीं मिला। और ये आयशा को प्रोजेक्ट मिल गया? हाँ भाई, उसे ही मिलना है अब सब कुछ, कभी प्रमोशन कभी प्रोजेक्ट। अब आगे आगे देखो उसे क्या क्या मिलता है। मगर उसे ही क्यों? अरे यार, सबको पता है उसमें क्या खास बात है जो हम में नहीं। बस लड़की होने की वजह से उसे प्रमोशन मिल गया है। यार हमें कई साल हो गए इस कंपनी में, हमें आज तक कंपनी वालों ने लिफ्ट तक नहीं दी, और जो घर से काम कर रहे हैं उन्हें गाड़ियां दी जा रही हैं। यार मुझे तो बेचारे हारून पे तरस आता है। घर पे तो सबकी बीवी बॉस होती है, उस बेचारे की तो ऑफिस में भी बीवी बॉस है। पता नहीं यार वो बेचारा डबल शिफ्ट कर पाता भी होगा या नहीं। लेकिन मैम, मैंने लास्ट में एक ऑप्शन और भी दिया था। नो हारून, नो। इस तरह के एड से यूट्यूब भरा पड़ा है, तो फिर ऐसे में कोई हमसे एड्स क्यों बनवाएगा? Bring something innovative and I need it tonight. आज रात? हारून, मुझे सुबह ब्रांड से डिस्कस करना है। ऑफिस टाइमिंग में नहीं होता तो आप ओवर टाइम लगाइए, लेकिन आज रात हर हाल में मुझे कोई प्रमोशनल यूनिक आइडिया चाहिए। Thank you.
आप एकदम परफेक्ट। आज का सरप्राइज देखकर तो हारून खुश हो जाएंगे। टू योर वाइफ। नो हारून नो, इस तरह के एड्स से यूट्यूब भरा पड़ा है, तो फिर ऐसे में कोई हमसे एड्स क्यों बनवाएगा? ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव एंड आई नीड इट टुनाइट। हारून, मुझे सुबह ब्रांड से डिस्कस करना है। ऑफिस टाइमिंग में नहीं होता तो आप ओवर टाइम लगाइए, लेकिन आज रात हर हाल में मुझे कोई प्रमोशनल यूनिक आइडिया चाहिए। अरे हारून, तुम अभी तक घर नहीं गए? हम तो समझे मैडम तुम्हें एक्स्ट्रा फेवर देती होगी। अरे हारून, सोच रहा होगा कि घर जाकर भी तो काम ही करना है, तो इससे अच्छा है कि यहीं कर लो और इससे थोड़ी देर बॉस की नज़रों से भी बच सकूँगा। हारून, एक बात बताओ, घर पे बॉस तुम हो या मैम? बकवास बंद करो, घर को घर और ऑफिस को ऑफिस रहने दो, तुम समझे? हेलो मिस्टर, इतनी मर्दानगी दिखाने का शौक है ना, तो घर जाकर दिखाओ ये। अरे ये क्या दिखाएगा घर जाके मर्दानगी, ये तो घर पे भी जी मैम करता हूँ। Thank you.
हमें कई साल हो गए इस कंपनी में, हमें आज तक कंपनी वालों ने लिफ्ट तक नहीं दी, और जो घर से काम कर रहे हैं उन्हें गाड़ियां दी जा रही है। बस लड़की होने की वजह से उसे प्रमोशन मिल गया है, अब आगे आगे देखो उसे क्या क्या मिलता है। इतनी मर्दानगी दिखाने का शौक है ना, तो घर जाकर दिखाओ ये। अरे ये क्या दिखाएगा घर जाके मर्दानगी, ये तो घर पे भी जी मैम करता हो। रात आपका इंतजार करते करते सो गई थी मैं। हाँ वो फाइल मुकम्मल करने में ज्यादा टाइम लगता था, मैं नींद में घर आया था, पता नहीं चला, सो गया। हैप्पी एनिवर्सरी, सोचा आपको सरप्राइज दूंगी, लेकिन बाहर अकेला मुझे सोता छोड़कर आपने सरप्राइज दे दिया। अच्छा है ना, यही चाहिए था ना आपको? मैं इतना कीमती तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों हारून? लोग कहेंगे कि मैं बीबी की कमाई पर आशिक कर रहा हूँ। हारून, और ये फाइल देखकर मुझे लंच टाइम से पहले बता दीजिएगा, बिकॉज़ मुझे लाहौर ब्रांच जाना है ट्रांसफर के लिए। लाहौर ब्रांच ट्रांसफर किस लिए? फॉर बेटर एंड ब्राइट फ्यूचर। देखिए हारून, मेरी हारून मेरी बात सुने। ये घर है, ऑफिस नहीं है। यहां मुझे तुम्हारी हर बात सुननी पड़े या तुम्हें डिस्कस करना पड़े? हारून देखे, बात सुने मेरी, क्या हो गया है आपको? हमें मिलकर फैसला करना होगा, ना कि वक्ती जज्बात में आकर। अच्छा, साथ मिलकर क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, या मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकता? देखिए हारून, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत तो तुम्हें लगने लगा है मेरा हर काम, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का। ओवरटाइम करवाना है ना मुझसे, पावर दिखानी है ना अपनी, कि देखो कैसे सिक्का चलता है मेरा इस पर, चाहे घर हो या ऑफिस। हारून किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे, आई एम योर वाइफ। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि तुम मेरी बीवी भी हो और घर भी है हमारा। ऑफिस में तुम्हारे ऑर्डर, घर में तुम्हारे ऑर्डर, थक गया हूं मैं इस सब से। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है आयजा। आप मुझसे थक गए? आयजा, आई नीड अ ब्रेक। ठीक है अरुण, अगर मेरी जगह आपकी प्रमोशन हुई होती तब भी आप इसी तरह बिहेव करते? यही सब कह रहे होते मुझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, अजम्पशन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। अगर तुम ये बात नहीं समझ सकोगे, क्योंकि तुम रियलिटी की जिंदगी जी रही हो और मैं अजम्पशन। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम बगैर नोटिस के इस्तीफा नहीं दे सकते। वैसे भी ये घाटे का सौदा है। सर आप मेरी मजबूरी समझे, किसी भी लड़की के लिए अपना घर बचाना अपना करियर बचाने से ज्यादा बेहतर होता है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, हारून से बात करूँ? नहीं सर, इस वक्त वो कुछ नहीं समझेंगे। इस जॉब के चक्कर में पहले ही हमारा रिश्ता छुरी की नोक पर आ खड़ा हुआ है, हल्की सी कोताही सब बिखेर देगी। हारून ऐसा लड़का बने जब फिर अचानक इसे क्या हो गया? I don't know sir, बस मैं इतना चाहती हूँ
कि मेरी लाइफ पहले की तरह हो जाए। मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। इस प्रमोशन ने सब बर्बाद कर दिया। शायद मैंने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में सब मैसअप कर दिया। हारून एक अच्छा लड़का है, मगर हम मर्दों पर इस मुआशरे का ख़ास प्रेशर है, कुछ करने का, घर चलाने का, पैसे कमाने का। लेकिन मुझे यकीन है हारून बहुत जल्द इस प्रेशर से निकल आएगा। जस्ट रिलैक्स, खुद को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा घर को टाइम दो, थोड़ा हारून को टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। सर बस मैं ये चाहती हूँ आप मेरी जगह ये जॉब हारून को दे दें। और सर आप ही ने तो कहा था मैं जॉब करूँ या हारून, पैसा तो घर में ही आना है। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा खुद का फैसला है? देखो आयजा, अल्लाह ने हम सबको मुख्तलिफ बनाया है, अलग अलग सलाहियतों के साथ। हारून को लगता है कि बहुत काम करता है, लेकिन वो जो काम एक दिन में करता है वो काम तुम आधे घंटे में कर लेती हो। ये तुम पर अल्लाह की खास मेहरबानी है। मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन इससे पहले एक औरत भी हूँ, और एक औरत के लिए इन बिल्डिंग्स और इन ऑफिस से ज़्यादा अपना छोटा सा घर बचाना अजीज होता है। और सर मैं इस जॉब के चक्कर में अपना घर नहीं बर्बाद कर सकती। आप मेरी जगह ये जॉब हारून को दे दें। मैं जानती हूँ मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर लूँगी, लेकिन हारून इसके सिवा कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी पोस्ट में हारून को दे दूँ? ठीक है, मैं तुम्हारी जगह हारून को दे देता हूँ, लेकिन वो एक प्रेशर नहीं उठा सकेगा, नहीं कर सकेगा ये काम, फेल हो जाएगा वो, फेल। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं हारून को फेल नहीं हूँ, बिकॉज आई एम हिज ब्रदर। ऑफिस में तुम्हारे ऑर्डर, घर में तुम्हारे ऑर्डर, थक गया हूं मैं इस सबसे। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है आयजा। देखो मैं तुम दोनों का बॉस हूं, तुमने हारून को हर मामले में बहुत सपोर्ट किया है, तो मुझे यकीन है वो तुम्हें अब सपोर्ट करेगा। घर है ऑफिस नहीं है, यहां मुझे तुम्हारी हर बात सुननी पड़े या तुम्हें डिस्कस करना पड़े। गलत तो तुम्हें लगने लगा है मेरा हर काम, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का। ओवरटाइम करवाना है ना मुझसे, पावर दिखानी है ना अपनी, कि देखो कैसे सिक्का चलता है मेरा इस पर, चाहे घर हो या ऑफिस। अजम्पशन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, अगर तुम ये बात नहीं समझ सको, क्योंकि तुम रियलिटी की जिंदगी जी रही हो और मैं अजम्पशन। आयजा के अचानक नौकरी छोड़ने की वजह से क्लाइंट्स ने हमारी कारकर्दगी को लेकर सवालात उठाने शुरू कर दिए। उन्हें आयजा पर पूरा ट्रस्ट था, इसलिए बगैर प्रेजेंटेशन के इन्वेस्ट करने को तैयार थे, लेकिन अब उन्हें प्रॉपर प्रमोशन की प्रेजेंटेशन चाहिए और मार्केटिंग के कुछ आइडियाज भी। मिस्टर हारून ये प्रेजेंटेशन कल आप देंगे। कल? क्यों, क्या हुआ? आयजा की जॉब के बाद इस पोस्ट के लिए आप ही कंसीडर किए जा रहे थे, और खाली कुर्सी अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छी है। डोंट वरी सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ट्राई बेस्ट ही होना चाहिए, और आइडियाज भी। कुछ नया होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने से ही हमारा और आपका घर चलेगा, वरना सब बंद हो जाएगा। सर आप बेफिक्र हो जाए, आई विल मैनेज इट। गुड, थैंक यू सर। चलो गाइस।
कहाँ जानी। अरे जितने भी आइडियाज थे, जो भी हमने बनाए थे, शिराज साहब ने सब रिजेक्ट कर दिए। अरे प्रमोशन को छोड़ मुझे तो लग रहा है कि डिमोट ही ना हो जाऊं। छुपे अल्फाज में उन्होंने मुझे वार्निंग भी दी थी यार। हाँ हाँ पूरी रात तो पड़ी है, लेकिन आइडियाज कहां से लाऊं यार। मैं बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। चल ठीक है, ओके। काम हुआ यार, मीटिंग में भी टाइम है, रास्ते में एक आइडिया है मेरे माइंड में, बस उसे पकाना है। हाँ हमजा सर, तुम्हें काम करो, मीटिंग रूम में जाओ, सिस्टम चेक करो, मॉनिटर और साउंड एकदम ओके होना चाहिए। ओके डैनिस, ठीक है। अच्छा अरुण, सब रेडी है ना? क्लाइंट्स को दोपहर में शहर से बाहर जाना है, बस 20-25 मिनट आने वाले हैं। सर 20-25 मिनट? बस तुम मीटिंग रूम में पहुँचो, मैं क्लाइंट को लेकर आता हूँ। ओके से भाई। मैं तो कहता हूँ कल वाले प्रेजेंटेशन दे देते हैं। यार सर ने वो कल रिजेक्ट कर दी थी। सर ने रिजेक्ट की थी, लेकिन क्लाइंट ने थोड़ी रिजेक्ट की थी। अब इतना टाइम थोड़ी बचा है यार। वाह जीते, तुमने तो सब कुछ किया हुआ है। क्लाइंट तो पक्का फंसेगा, पूरी प्रेजेंटेशन तैयार है। Thank you.
That's it. Thank you, sir. आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। मुबारक हो। जिस प्रमोशन का तुम्हें इंतजार था वो आज की इस प्रेजेंटेशन और क्लाइंट के अप्रूवल से पक्की हो गई है। नहीं सर, इसका सही हकदार मैंने ही बल्कि किया। क्या मतलब? सर, ये प्रेजेंटेशन भी और ये रिश्ता भी आयजा ने बनाया है और उसने निभाया है, मैंने नहीं। वो जितने क्रिएटिव काम एक चाय का कप पीते हुए कर लेती है ना सर, वो मैं पूरे एक हफ्ते में भी नहीं कर सकता। लेकिन सर, उसने मेरी खातिर अपनी ड्रीम जॉब छोड़ दी, पूरी रात जाकर मेरे लिए प्रेजेंटेशन तैयार की उसने, एक साथ आगे बढ़ने के ख्वाब देखे, और मैंने उसके साथ क्या किया सर? रिलैक्स आरुण। सर, वो जब आगे बढ़ने लगी, हवा में उड़ने लगी, तो उसे हौसला देने के बजाय मैंने उसके पर काट दिया सर। देखो आरुण, मियां बीबी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और हम इस लिबास से एक दूसरे की खानों को ढांप सकते हैं, खूबसूरत दिख सकते हैं। जैसे उसने खूबसूरती के साथ बगैर किसी को पता लगे तुम्हारी खानों को ढांपा। हारून, पता नहीं मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन आयजा जिस दिन मेरे पास इस्तीफा लेकर आई थी उस दिन। सर, बस मैं ये चाहती हूँ आप मेरी जगह ये जॉब हारून को दे दें। और सर, आप ही ने तो कहा था मैं जॉब करूं या हारून, ऐसा तो घर में ही आना है। लेकिन वो ये प्रेशर नहीं उठा सकेगा, नहीं कर सकेगा ये काम, फेल हो जाएगा वो, फेल। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं हारून को फेल नहीं होने दूंगी, because I'm his better half। मैं समझ गया हूँ सर। हमारे इस मुआशरे में तुम अकेले ऐसे मर्द नहीं हो जिसने अपनी पढ़ी लिखी बीवी को गैरत की चादर में समेट के घर में बैठा दिया हो। यह दुनिया तो ऐसे मर्दों से भरी पड़ी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो अरुण, ऐसे मुआशी हालात में अगर मियां बीवी मिलकर काम करेंगे तो हम जल्द इस बुरान से निकल सकेंगे। अरुण, एक दूसरे का सहारा बनो, ना कि एक दूसरे को बेसहारा कर दो। पढ़ी लिखी बीवी मर्द की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ढाल होती है। और देखो आयजा मुश्किल वक्त में कैसे तुम्हारी ढाल बन के खड़ी हो गई, वो खुद तो हार गई मगर तुम्हें जिता दी, और आज की ये प्रेजेंटेशन उसकी वफा का सबूत है। मैं समझ गया हूँ सर, यहाँ बीवी में कोई ज्यादा कमाई है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो एक दूसरे की खुशी में खुश होने से, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने से। अगर समझ गए हो तो इधर क्यों बैठे हो? अरे जाके आयजा को बताओ कि वो सच में जीत गई है, तुम्हारे जिसे इडियट को संवार गए। सब ठीक तो है? आई एम सॉरी आयजा, मैं भूल गया था कि मियां बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर कि दोनों एक दूसरे का बराबर साथ देना तो ये गाड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से चल सकती है।
सुधारकर एक भी बात न समझ पाए। ये गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। तुमने क्या कुछ किया है मेरे लिए? मैंने क्या किया? इतनी क्रिएटिव वर्किंग लेडी को जॉब छुड़ाकर गोल रोटियां बनाने पे लगा दिए। तो तक मेरे जैसे कितने बेवकूफ मर्द होंगे जो अपनी बीवी को ढाल बनाने के बजाय अपनी अनार की सूली पे चढ़ाने की गलती करते होंगे। खुश नहीं हूं हारून, मैं बहुत खुश हूं आपके साथ। पर मैं खुश नहीं हूं। हम कल से एक साथ ऑफिस आएंगे, आपकी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में। मतलब ये कि मैंने सर शेराज से आपका रिजाइन कैंसिल करवा दिया था। और ऑफिस में जब आपको लोग तंग करेंगे फिर? अरे लोगों की बातों में आकर तो मैं पहले ही बेवकूफी कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि ये बात मेरी अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी हो, कुछ करना चाहती हो, तो शोहर को चाहिए अपने वक्त के हिसाब से अपना घर चलाने के लिए उसे अपना साथी बनाए, ताकि मेरी तरह तंग नजरी और हसद में आकर उसे घर में कैदी बनाने की गलती करे। हारून, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब बातें आप कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि आपको इस बात की समझ आ गई कि मियां बीवी दोनों बराबर के शराकत दार होते हैं। और वैसे भी हारून, कामयाबी या नाकामी किसी एक की भी हो, फर्क तो हम दोनों को पड़ेगा ना। आज ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। काश कि हम सबको ये बात समझ में आ जाए। बस ज्यादा नहीं रो, ठीक हो जाए। कॉफी पी।